Well, passing through the lanes of Mehsana in Gujarat, it was very interesting to see that at one particular point I had seen this whole group of women discussing among themselves the political angles and coming out to the light. What is it that they are looking at? सारे लोग जो है महंगाई से परेशान हैं। आप होम मिनिस्टर हैं, आप खुद का बजट कैसे संभालती हैं और क्या महंगाई आपके पॉकेट को कहीं ना कहीं कट कर रही है? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बट हम लोग वही भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के समय काल में बहुत सारी उन्होंने अपॉर्चुनिटी हमें क्लियर यहाँ पर प्रोड्यूस की है, जिससे सारे जो अनएम्प्लॉयबल हमारे जो मतलब पब्लिक थी यहाँ की वो एम्प्लॉयबल हो गई। लेडीज़ के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। आप लोग जानते हो कि सारी जगह पे उन्होंने 33% कंपलसरी महिलाओं के लिए उन्होंने रिजर्व किया है। अब तक हम जानते थे कि जब भी इलेक्शन आता था जहाँ पर लेडीज सीट होती थी तो लेडीज इलेक्शन में खड़ी रहती थी, लेकिन उसका जो सारा कार्य था तो उसका हस्बैंड या उसका घर से कोई जेंट्स करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सारी जगह पर हम देखते हैं लेडीज़ आगे ही आगे रहती है। आप क्या बोलेंगे? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। नरेंद्र मोदी ने सभी काम किया है, देश के आगे बढ़ता है। वो महंगाई नहीं काट रही है क्योंकि लोग तो वो बोल रहे हैं कि महंगाई कम ही नहीं की, एक कॉमन मैन है तो महंगाई कैसे? महंगाई भी कम की है, किसको महंगाई नड़ती है? सैटरडे संडे देखो पूरी होटलें फूल जाती है। कहाँ महंगाई है? अमेरिका कनाडा में देखो, इससे भी ज्यादा महंगाई है। तो महंगाई नहीं है, पहले सैलरी कम थी तो खर्चा कम था, अब सैलरी ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा ही है ना। बदलाव सिर्फ हमारी सिटी में आए, गाँव में आए, शहर में आए, देश में आए। नरेंद्र मोदी की वजह से पूरा हिंदुस्तान तो क्या पूरा वर्ल्ड नरेंद्र मोदी को जानता है। उसकी वजह से तो हम इतने आगे हैं। हमारा भारत पिछड़ा हुआ था, पहले गरीब देश बोला करते थे, अभी भारत को सब नमस्ते करते हैं और भारत का दूसरा तीसरा नंबर आ गया है पूरे वर्ल्ड में। आप कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? नहीं, कांग्रेस तो यहाँ चले गई नहीं गुजरात में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में विकास किया उस हिसाब से वो आगे बढ़े हैं। तो यहाँ तो गुजरात में तो कांग्रेस का कोई लेवल ही नहीं है, वो तो आएगी ही नहीं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आके बोलते हैं वहाँ की एजुकेशन इज सुपर मॉडल, मतलब वहाँ का एजुकेशन इज द थिंग एंड दैट शुड बी अप्लाइड इन गुजरात। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि गुजरात में जो सभी जगह से स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टेट के भी गुजरात में आते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का ही एजुकेशन इतना अच्छा है, यहाँ पे अच्छी अच्छी स्कूल भी हो रही है। और आज तक देखो नरेंद्र जी ने क्या मतलब स्कूलों का भी वो हो रखा है कि अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको भी आगे फोकस मिल रहा है जाने के लिए। फिर वो केजरीवाल बोल रहे तो आजकल कौन इतना ज़्यादा ट्रस्ट करेगा? और नरेंद्र जी का तो जो 20 साल का जो रिकॉर्ड हो रहा है और 20 साल में उनके कितने अच्छे काम हो रहे हैं वो सब देख रहे हैं। आप अपने टाइम से कई समय से आपके आंखों के सामने महसाना को देख रही हैं, किस तरह से महसाना को चेंज होते हुए देख रही हैं? मेरा एक ही कहना है कि महसाना और पूरा इंडिया उसको जंगी बहुमती से भाजपा को जिताओ। अगर विकास चाहते हो, लेडीज़ की सुरक्षा चाहते हो, सेफ्टी चाहते हो, पूरा प्रोग्रेस चाहते हो तो जंगी बहुमती से हमारे मुकेश भाई को भी जिताओ और पूरे इंडिया में भाजपा की बहुमती से जंगी जिताओ। महसाना में बहुत सिक्योरिटी है, रात को 1:30 बजे भी नवरात्रि में घूमते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लड़की अकेली घूमती है। इंटरेस्टिंगली एज आई सी द विमेन क्राउड ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड आई सी सेवरल मेन हु हैव गैदर्ड। लेट्स ट्राई एंड थ्रोंग अपॉन द क्वेश्चंस ऑन देम। सर, आप लोग बताइए किस तरह से आप और क्या एक चीज़ों को ध्यान में रखकर जब 5 दिसंबर को वोट करने जाना? मैम, बेसिकली मैं दिल्ली का हूँ, यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, बट आई मस्ट अप्रिशिएट गुजरात इज़ वेरी मच डेवलप्ड। हमारे गांव में आज भी पानी नहीं आता, हमने तो 1977 में अपनी दिल्ली का गांव छोड़ दिया था। जो गरीब जनता है वो सोचते बिजली मिल गई तो बहुत कुछ मिल गया। एक्चुअली इंडिया को फ्री वाले लोग नहीं चाहिए, टैक्स पेयर चाहिए, इनेबलमेंट वाले चाहिए। एंड मोदी गवर्नमेंट एक्चुअल में वो काम कर रही है स्किल इंडिया पे, डिजिटल इंडिया पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो एक इंडिया को हमें एक ग्रेट नेशन बनाना है, मोदी जी के सारे काम उस डायरेक्शंस में चल रहे हैं। यहाँ पे जब मैं आया मैंने कहा मेरी बाइक महंगी है, बोले यहाँ पे कुछ चीज़ चोरी नहीं होगी, आप सोना भी रख देना। लेकिन दिल्ली में मैंने भागती गाड़ी चलती गाड़ी से के अंदर से लोगों के फ़ोन चीज़ें चोरी होती हुई देखी हैं। कि मैं गुजरात में जब घूम रही थी तो लोग बोल रहे थे महंगाई कम करनी चाहिए। महंगाई कौन सी सरकार आएगी और कम करेगी, मुझे ये बताइए। आप पहले सभी महंगाई जो रहता है, आपको किसी और को मौका नहीं देना, कांग्रेस को मौका नहीं देना, आम आदमी पार्टी को नहीं, किसी नहीं। डबल इंजन सरकारी अच्छी है और मुफ्त तो कुछ चाहिए नहीं। मुफ्त की आदत जो पड़ जाएगी ना एक बार तो समझो अपना ये देश खत्म हो जाएगा। श्रीलंका को देखा ना आपने, जो मुफ्त में चाहे वो तो मिलता, तो वो तो सही बोलेगा भाई उसको ही लाओ, मगर वो तो चाहिए ही नहीं, हमें मुफ्त का लेना ही नहीं है। मेहनत से कमाना है और खाना है। मुफ्त में मांगेगा वो, मुफ्त में लेंगे तो वो क्या है, लोग सब इकट्ठे होकर आपस में बैठ के गुजरात को बेच डालेंगे। इसे मुफ्त में नहीं चाहिए, मुफ्त लेने के को अपने को वक्त भी नहीं है, ठीक है, तो मुफ्त में नहीं चाहिए। और आप बोल सकते हम ऐसा देंगे, नहीं दे सकते, क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि नहीं देना, ऐसा गलत करना ही नहीं है ना। हमारा टैक्स का पैसा सही चाहे ऐसा करना चाहिए ना, मुफ्त में देंगे क्या करेंगे, लोग गुंडागर्दी करेंगे मुफ्त का लेके। सर ये बताइए, सर भाई ये बताइए कि क्यों मोदी जी को सब लोग इतना सपोर्ट करना है, क्यों ऐसा है कि गुजरात मॉडल ही हेल हो रहा है? जी, शुरुआत तो मोदी जी ने यहाँ से सीएम बन के की। सबसे पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेथडोलॉजी, पब्लिक का जो लिविंग थिंग्स है वो पूरा इम्प्रूव कर दिया। देश ने अचानक मोदी जी को कैसे सिलेक्ट किया, उन्होंने गुजरात को रोल मॉडल माना, गुजरात को उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अगर गुजरात पहले डेवलप हुआ तो उन्होंने सोचा हमारा स्टेट भी कैसे डेवलप नहीं होगा। पूरा कंट्री, पूरा देश आज मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है जो युद्ध के दौरान परिस्थितियां हुई, कोविड के दौरान परिस्थितियां हुई, इन्हें मोदी जी ने बखूबी संभाला है। और यही एक रोल मॉडल है जिन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने करके दिखाया। आज वंदे भारत दौड़ती हुई शुरू हुई 180 किलोमीटर की रफ्तार से। दुनिया की जो रफ्तार चल रही है उसमें भारत आज अव्वल नंबर पर चल रहा है। हर चीज़ में आगे है मेहसाना और बेस्ट है, मतलब दिक्कत कोई है ही नहीं मेहसाना के लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं, दिक्कत तो हर प्रदेश में थोड़ी थोड़ी रहती है, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है वो एक साल में नहीं किया, 20 साल की तपश्चर्या है उनकी। ताकि कोई मुफ्त की बात करे और सारे मुफ्त के अपने अपने तरीके अपनाए और इलेक्शन में जीतने की आशा रखे, वो सही नहीं है। काम बिजली, पानी और रास्ता का काम गुजरात में आज से 15 साल पहले उन्होंने एकदम अच्छी तरह चालू कर दिया था, उसका नतीजा आज मिल रहा है। और उसी हिसाब से गुजरात मॉडल को सब पसंद कर रहे हैं और मोदी जी को जिताने का विश्वास कर बैठे। Well, that's a kind of call that Mehsana women, men are going ahead and giving a call to. It's about Bharatiya Janata Party. They go on to say that there is no space for freebies. Some of them also mentioned it as reveries, the terminology that has been used by politicos. At the same time, they go on to say that they hail Gujarat model. They hail Prime Minister Narendra Modi for his vision. And it's probably Gujarat model that has come into the existence in a complete super way is what they all go ahead and say. And I didn't find a single person out there supporting no one, but it was all about Bharatiya Janata Party.